हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक और अनोखी टेस्टी डिलीशियस रेसिपी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये गाजर से बनाया है मैंने, बहुत ही डिलीशियस बनी है, मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आई है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया मैंने। देखिए, मैंने दो गाजर ली है और इसे मैं पील कर लूँगी। इसके छिलके सारे अच्छे से उतार लेंगे हम, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल भी छिलके ना रहें। और इसे मैं इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप सब्जी के लिए काटते हो गाजर, बिल्कुल इसी तरीके से हमें गाजर को काट लेना है। काटने के बाद मैं इसे एक बड़े से बर्तन में डाल दूंगी और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से हम धो लेंगे। धोने के बाद सारा पानी निकाल कर, देखिए मैंने उसे साइड में रख दिया है। और मैंने लिया है ये 4 चम्मच है ये अरारोट भी कहो इसे, और इसे हम कहेंगे कॉर्नफ्लोर। चलिए उसे मैंने साइड में रखा है। इधर एक मैंने लिया है पतीला सा और उसमें डाला है थोड़ा सा नमक और पानी ऐड कर दिया, और इसमें सारे गाजर डाल के इसे उबलने देंगे गाजर को अच्छे से। जब हमारे गाजर बढ़िया तरीके से बॉईल हो जाएंगे तब हम एक से बड़े से बर्तन में डाल देंगे। और इसमें मैं डालूंगी ठंडा पानी ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं। और इसको आपको उतना उबालना है, देखिए इतना, जितना कि हम हाथ से इसे अच्छे से मैश करें, ऐसे तोड़ें तो ये टूट जाए, इतना आपको उबालना है। अब इसे एक मैं ग्राइंडर में डालकर अच्छे से इसका मैं पेस्ट बना लूँगी, इसे पीस लूँगी। कहने का मतलब ये है, इस तरीके से हमें इसे गाजर को पीस लेना है। अब एक बाउल में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। साथ ही अब मैं इसमें डालूँगी अरारोट, कॉर्नफ्लोर जो कि मैंने आपको दिखाया था। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसकी जगह चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए चावल का आटा। साथ ही मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच रेड चिली, लाल मिर्ची, ताकि थोड़ा सा चटपटा बने ये। इसका आटा हमें इस तरीके से लगाना है, ज़्यादा बिल्कुल जैसे रोटी का आटा होता है ना, बिल्कुल वैसा नहीं लगाना, हल्का सा गीला रखना है। तो इस तरीके से देखिए गीला गीला सा होगा, कोई बात नहीं, हम हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे हाथों पर चिपके नहीं बिल्कुल भी। और चलिए उधर मैंने फिर से पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। चलिए जब तक उधर पानी गर्म होगा जब तक हम इस रेसिपी को तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो छोटी छोटी सी कंचे जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे से, उतनी उतनी हमें बॉल्स लेनी है इस तरीके से, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस लेने हैं। ये देख रहे हैं ना, तो इसे गोल गोल करके आप चाहो कैसे भी शेप दे सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं इसे गोल गोल करके इस तरीके से हॉल बना दूंगी इसमें, ताकि थोड़ा सा यूनिक बने ये। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं और इसे 15 मिनट तक आपको इसे अच्छे से बॉईल करना है, 15 मिनट तक टाइम देखते हुए। 15 मिनट हो जाएंगे तब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे निकाल देंगे। ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कहीं से टूटा फूटा नहीं है और बहुत अच्छे से ये पक गया है। अब इसे हम अच्छे से साफ सुथरे बर्तन में निकाल देंगे, बिल्कुल गर्मा गर्म इसका सारा पानी फेंक देंगे और इसे हम निकाल के रख लेंगे और पानी सारा फेंक देंगे। अब हमें करना क्या है, लहसुन लेना है, लगभग 10 से 12 कलियां लहसुन ले लीजिए और इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए लहसुन के, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस, बिल्कुल इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप। अब एक कढ़ाई में मैं डालूंगी सिर्फ 1 चम्मच तेल, ज़्यादा नहीं डालना है। साथ ही उसमें डाल देंगे लहसुन और लहसुन को हमें पका लेना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का सा इस पर एक हल्की सी गोल्डन सी ब्राउन सी लेयर आ जाए बस, उसके बाद हमें अपने सारे ये गाजर डाल देने हैं और इसे हल्का से ऐसे इस पर करना है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच है ये वाइट विनेगर सिरका, 1 चम्मच है ये सोया सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच है ये कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि कलर अच्छा आए। इसे अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे, बहुत ही यूनिक रेसिपी, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये। साथ ही मैंने इसमें डाला 2 टमाटो केचप 2 चम्मच और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे जो भी आपको कोई सब्जी पसंद हो, शिमला मिर्च वगैरह। मैंने इसे सिंपल ऐसे ही बनाया, बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें आप अपने घर पर। और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। बहुत ही बढ़िया यूनिक रेसिपी है ये, बहुत ही पसंद आएगी आपकी फैमिली में, जिसे भी आप फर्स्ट टाइम खिलाओगे ना, वो ज़रूर आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि आपने मंगाया है या घर में बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही नई रेसिपी के साथ।